बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। ये एक वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इसे मेटा वन शॉट के अंदर यूनिट्स और मेजरमेंट में जितना लेवल पूछा जा सकता है उस लेवल को हम टच करेंगे। अगर आपने की वीडियो देख ली, आपको फिर यूनिट मेजरमेंट यानी यूनिट्स डायमेंशन से जुड़ी हुई किसी भी तरह के क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कहीं पे भी आप प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, आप चाहे ऑनलाइन कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कोई टीचर कहीं प्रैक्टिस सेट करा रहा हो, यूनिट और डायमेंशन में से बाहर आने वाला नहीं है। अगर आप पहले कहीं पे पढ़े हों तो भी आप देख सकते हैं कि हम इसमें कितना कंटेंट कवर करने वाले हैं। सभी तरह के क्वेश्चन, जितने भी वैरायटी बन सकती हैं आज की क्लास में, मैं उन सभी को एक वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि उन सबको हम कवर कर लें। आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, और आपकी जो समस्या है, जितनी देर की वीडियो बनेगी, अभी मुझे पता नहीं है, मैंने बस स्टार्ट कर दिया है, तो ख़त्म होने के बाद में फिर एक दिन लगाकर अपना आराम से बैठकर 2-3 घंटे जितने भी समय इसमें लगेगा, फिर आपका एक चैप्टर हो जाएगा तैयार। ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सब में ही आते हैं, यूनिट्स डायमेंशन से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो अभी वैसे स्पेशली मैं इसे बना रहा हूँ, जो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो लिखा भी है उन्होंने स्पेशली कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे असिस्टेंट लोगों को पायलट का दे रहे हो, उसमें भी सिलेबस में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सबके अंदर इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो शुरुआत कर रहा हूँ वो है बेटा हमारी फिजिकल क्वांटिटीज से, भौतिक राशियों से, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। देखो भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हम उन्हें कहते हैं बेटा जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसे हम मेजर कर सकें। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, आप एक इंची टेप लेके आओगे, यहां से पकड़ोगे और यहां तक बता दोगे सर ये 1 मीटर लंबा है कि 1.5 मीटर लंबा है। मैं आपसे कह दूं कि भाई क्लास कितनी देर चलेगी, आप घड़ी में देख लोगे, जब क्लास बंद होगी आप बता दोगे सर क्लास 2 घंटे चली कि 3 घंटे चली है। तो टाइम को आप मेजर कर सकते हो, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। तो जिन चीज़ों को हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, किसी यंत्र की हेल्प से हम माप सकें, वो हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं नाप सकते, अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। दूसरा बेटा जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, आप इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं किसी नंबर में। कि जैसे लंबाई मैंने बताया ना कि 2 मीटर की 3, 2, 3, 4 ये नंबर ही तो है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपको कितना पेन, कितना दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे जी बहुत सारा हो रहा है, पर आप ये नहीं बता पाओगे बहुत सारा मतलब कितना, 2 किलोग्राम के 6 मीटर, तो उसे नहीं आप एक्सप्रेस कर सकते, है ना। कोई ऐसा यंत्र नहीं बना कि जो बताए कि भाई आपको किसी से कितना प्रेम हो गया है, तो लव है, प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी, क्योंकि ना तो आप इसे किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नाप सकते हैं, ना ही आप इन्हें किसी यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिन्हें एक तो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप मेजर कर सको, और दूसरा आप इसे नंबर में लिख सको किसी यूनिट, किसी मात्रक के साथ। तो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर विद ए यूनिट। तो भौतिक राशि क्या है, जिन्हें किसी मात्रक के साथ एक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक बोर्ड है, उसकी लंबाई है 3 मीटर की, तो देखो अगर आपने देखा लेंथ जो है, लंबाई जो है, इसे आपने एक यूनिट के साथ लिखा कि लंबाई कम मेजर करेंगे मीटर में, और लंबाई भी कितने मीटर है, 3 मीटर की है। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो भौतिक राशि है, उसके साथ एक तो नंबर बनेगा और एक क्या बनेगी, यूनिट बनेगी। कोई सी फिजिकल क्वांटिटी लिख लो आप, जैसे टाइम लिख लो भाई, टाइम लिखा आपने 10 घंटे, 10 आवर्स, तो यूनिट क्या हमारे पास में घंटे है, और नंबर कितना हमारे पास में 10 है। तो ऐसे आप लिख लो कि जी मेरे पास 10 किलोग्राम चावल है या 6 किलोग्राम चावल है, तो यहाँ पे भी एक यूनिट हो गया, एक नंबर हो गया। तो जिनके साथ में एक नंबर हो और एक यूनिट हो,
वो हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, हमारी कहलाती है भौतिक राशियाँ। तो अगर मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, एक फॉर्मूला बना लेता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो भौतिक राशियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को हम क्या लिखते हैं, एक नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिट। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी को लिख लेता हूँ मैं क्यू से, तो क्यू कितना हो गया एन यू के बराबर, ठीक है। तो एक नंबर होगा और एक इसकी बनेगी यूनिट। अच्छा, यहाँ से आप एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं जिसकी हमें आगे जरूरत भी पड़ेगी। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एन वन यू वन इजगल टू एन टू यू टू। तो इसका मतलब क्या है, एन वन यू वन इजगल टू एन टू यू टू का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एक, अब मेरे पास में एक छड़ है, एक रोड है, उसकी लंबाई है 2 मीटर की। अब लंबाई नापने के लिए केवल मीटर तो नहीं है, और भी बहुत सारी यूनिट है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, डेकामीटर भी है, बहुत सारी है। तो मैं अगर इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो इसे मैं बोल दूंगा 2000 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर का ऊंचा 2000 सेंटीमीटर का, बात तो एक ही है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई रोड की लंबाई 2 मीटर है, और फिर कल को कह दूं कि 2000 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई थोड़े ना बदल जाएगी भाई, 2 मीटर का हो चाहे 2000 सेंटीमीटर का हो, एक ही बात है। तो यानी कि जो लेंथ है ये तो फिक्स है, ये तो कॉन्स्टेंट है भाई, ये 2 मीटर का हो चाहे 2000 मीटर को। यानी मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं नंबर और यूनिट में, लेकिन अगर मैं मान लो कि दो अलग अलग यूनिट यूज करूँ, तो यूनिट जैसे मैं चेंज करूंगा तो बेटा साथ में नंबर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो जैसे आपने ये मीटर से आप कहाँ पहुँच गए सेंटीमीटर में, तो साथ में आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे एक बात और देखें, जब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहा था, जिसे मैंने लिखा था क्यू से, तो फिजिकल क्वांटिटी थी नंबर इनटू यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तो लंबाई, वो तो फिक्स ही है कि 2 मीटर है चाहे 2000 सेंटीमीटर का हो, तो जितनी बड़ी छड़ है उतनी बड़ी रहेगी। मैं कह दूँ मेरे घर से यहाँ से 5 किलोमीटर है, कल को कह दूँ 5000 मीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर का हो 5000 मीटर का हो, एक ही बात है भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 5 किलोमीटर हो गए 5000 मीटर। ये थोड़ा ना कि मेरे यहाँ से घर तक की जो लंबाई है वो बदल जाएगी, दूरी बदल जाएगी, तो ये तो फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे अच्छी देखूँ, अगर मैं इस एन को, इस यू को नीचे ले जाऊँ, तो यानी कि नंबर और जो यूनिट होते हैं ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर मैं छोटी यूनिट यूज करूंगा तो नंबर बढ़ाएगा, बड़ी यूनिट यूज करूंगा तो छोटा नंबर आएगा। जैसे लंबाई की बड़ी यूनिट है किलोमीटर, तो मेरा घर यहाँ से कितना दूर है 5 किलोमीटर, लंबी बड़ी यूनिट यूज की किलोमीटर, तो नंबर केवल 5 आया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा घर यहाँ से 5000 मीटर दूर है, तो किलोमीटर से छोटी यूनिट यूज कर दी मैंने मीटर की, तो नंबर भी तो बढ़ गया साथ में, 5000 हो गया। जैसे यहाँ पे आप मीटर के साथ में तो केवल 2 ही आया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो सेंटीमीटर के साथ में आया 2000। यानी जब मैं छोटी यूनिट यूज करता हूँ तो बड़ा नंबर आता मेरे पास में। तो यानी कि मुझे बता रहा है कि नंबर और यूनिट जो होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब इस छोटी सी बात से ही देखो, पेपर में क्वेश्चन पूछा उसने, इसने कहा हमारे से, अभी मैं इसका यूज करूंगा आगे, जो पेज मैंने खोला था अभी, इसने कहा कि हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू एन एंड यूनिट यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड। तो किसी भौतिक राशि जो होती है उसके संख्यात्मक मान, उसका जो नंबर है एन और उसकी इकाई यू के बीच किस प्रकार का संबंध है। तभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर है और जो यूनिट है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे नहीं कि आप छोटी यूनिट यूज कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरा घर की यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर की है, या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 6000 मीटर की है। तो जब मैंने बड़ी यूनिट यूज की तो नंबर छोटा आया, जब मैंने एक यूनिट छोटी यूज की मीटर, तो बड़ा नंबर आया। तो यानी कि दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। जैसे बड़ी यूनिट यूज करोगे तो नंबर कैसा आएगा, छोटा। आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक मैंने बोला कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, इसके बेटा भी बहुत बड़े बड़े ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, इसका हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसे मुझे उसकी यूनिट जब चेंज करनी होगी, मान लो कि मैं आपको कुछ सिस्टम बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, भौतिक राशियां जो हैं, इनके लिए हमने भाई अब लंबाई, जैसे मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ मीटर में, कोई नाप रहा है सेंटीमीटर में, कोई नाप रहा है किलोमीटर में, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे कि सब जगह एक ही तरह का सिस्टम यूज हो, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हमने कुछ सिस्टम बनाए। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, एक होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला, एक होता है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला। तो अगर मैं कहूं कि भाई किसी को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में बदलना है, या किसी को मैं कह दूं कि आपको एमकेएस सिस्टम से एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम में बदलना है, तो ये फॉर्मूला जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी चीज को लेकर जाएंगे तो वहां पे हमारे काम आएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भौतिक राशियां वो हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं,
किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और जिसम जब लिखें तो उसका एक नंबर हो और साथ में एक यूनिट हो, जैसे लंबाई हो गया ना, लेंथ, मास, टाइम हो गया। तो इन सब के हमने साथ क्या देखा कि इनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में एक यूनिट होती है। फिर दूसरा मैंने बोला कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हम अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, नंबर इंटू यूनिट। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली आपसे कि भाई नंबर और यूनिट कहीं आपस में एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप छोटी यूनिट यूज करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा, जैसे यहाँ पे मीटर के साथ तो दो ही आया, और सेंटीमीटर छोटी यूनिट यूज की तो बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इनका मैं फिजिक्स में यूज क्यों होता है, क्योंकि इनकी हेल्प से बेटा हम फिजिक्स की किसी भी चीज को समझा सकते हैं। भाई अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें चाहिए, ईंट चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, पानी चाहिए, है ना, मिट्टी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें अगर हमारे पास में हो तो एक स्ट्रक्चर हम खड़ा कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी पता हूं तो हम फिजिक्स में, फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि आप नेचुरल फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आप नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए जिन जिन क्वांटिटी का यूज करेंगे उन्हें समझने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी लेके चलते हैं। कि भाई फिजिकल क्वांटिटी, भाई जैसे हमने एक स्पीड ले ली तो हमें पता चला भाई कोई चीज़ भाग रही है तो कितना तेज भाग रही है, तो उसकी स्पीड से पता चल रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कल को कि भाई फोर्स, कि किसी चीज़ पर फोर्स लगा, बल लगा, तो वस्तु आगे चल पड़ी या रुक पड़ी, तो उसे समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है। अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा मेरे पास में, इन्हें अगर मैं देखूँ, ये हमारे पास में कुछ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ जो हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं, चलो सीधा भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज ही सही है, भौतिक राशियाँ। तो इन भौतिक राशियों को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ, एक होता बेटा हमारे पास में, एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होते हैं हमारे पास में फंडामेंटल, फंडामेंटल मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज इसे हम कहते हैं मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां। और एक हमारे पास में होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। तो हमने सात फिजिकल क्वांटिटी ली, सात मूलभूत राशियां ली। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आप सभी जानते भी होंगे पहले से ही कि मूलभूत राशियां वो हैं कि जो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें अगर आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो किसी और क्वांटिटी की आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। भाई जैसे स्पीड अगर आपको समझाना हो तो आपको स्पीड बताना पड़ता ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को समझाने के लिए आपको दूरी और समय की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मैंने कितनी दूरी तय की, कितने समय में तय की। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपने 50 किलोमीटर की दूरी तय की 5 घंटे में, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 50, कितने किलोमीटर दूरी बोला मैंने, 50 किलोमीटर बोला शायद, 50 किलोमीटर की दूरी तय की आपने 5 घंटे में, तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर घंटा की आपकी स्पीड हो गई। तो स्पीड हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास होती हैं सात, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इन्हें समझाने के लिए आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको सात फंडामेंटल क्वांटिटी पता हो, इनकी हेल्प से आप बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारी कहलाती है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जिनसे आपने डिराइव किया, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। तो हमारे पास में सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और वो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं पहले हम इन्हें एक बार देख लेंगे। ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा हमारे पास में है, लेंथ, लंबाई, एक हमारे पास में है मास, द्रव्यमान, एक हमारे पास में है टाइम, समय, एक हमारे पास में है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, एक हमारे पास में टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिक्स, एक हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में आपने शब्द सुना होगा पदार्थ की मात्रा, और एक हमारे पास में होता है लुमिनस इंटेंसिटी। हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक। ये हमारे पास में सात फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, डिराइव क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, जो इन सात फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इन्हीं सात फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में दो अभी हम सप्लीमेंट्री और बात करेंगे, दो सप्लीमेंट्री हमारे पास में पूरक क्वांटिटीज भी हैं सप्लीमेंट्री, उसे भी आप फंडामेंटल ही समझ सकते हैं, वो भी ऐसे ही डिफाइन, ऐसे सात फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ऐसे दो सप्लीमेंट्री भी हैं, उनकी बात करेंगे अभी हम। अब ये हो गया कि हमारे पास ये सात फंडामेंटल जो क्वांटिटी आई है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, अब इनकी यूनिट, इनके मात्रा क्या है? तो इंटरनेशनल सिस्टम में इनकी कुछ यूनिट बिल्कुल डिफाइन है, यानी कि जैसे मान लो ऐसा ना हो कि फ्रांस में जो बंदा बैठा है मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, एक इटली में, एक इंडिया में है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हमने कुछ यूनिट बनाई, क्योंकि तो देखो आप अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट हो सकती हैं भाई, जैसे कई बार तो भी कह देते हैं ना कि भाई ये मकान कितना लंबा है, कह लीजिए 2 बिलांद लंबा है, अब इसमें किसी अंग्रेज को क्या समझ में आएगा, हाँ भाई कितना दूर है घर, अजी है थोड़ा सा, थोड़ा सा कितना। तो उसके लिए हमने कहा कि कुछ फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं इनके हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट है, तो उनके हम ऐसा यूनिट लिखेंगे, ठीक है। फिर उन ऐसा यूनिट की हेल्प से जो डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी, फिर हम उनकी भी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम एक्सेप्टेड यूनिट है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक। पेपर में बड़ा पूछता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसके ऐसा यूनिट क्या है, इसके ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। अब इनकी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ऐसा यूनिट इन सबको लिख लेते हैं दोबारा से एक बार फिर से। तो जैसे मैंने कहा कि लेंथ, इनके मैं सिंबल भी बता दूंगा आपको, लंबाई, इधर बेटा हमने फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा मैं, इधर फिजिकल क्वांटिटी शॉर्टकट में लिख देते हैं, इधर इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है, और इधर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, विम्य सूत्र, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, जो बेटा मेरे पास है फिजिकल क्वांटिटी है, पहली हमने ली लेंथ, इस लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो हम यूज करेंगे मीटर, METRE, इसके लिए मीटर भी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं आप, METER भी, बस वो फर्क होता है कि आप US सिस्टम यूज कर रहे हैं कि UK सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो जनरली हम ये यूज करते हैं मीटर, ये दोनों एक्सेप्टेड है, कोई से भी यूज कर सकते हैं, और सिंबल है इसके लिए मीटर के लिए बेटा स्मॉल m, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए l। ये आप ऐसे समझो कि भाई जैसे लेंथ है, तो बेटा लेंथ जो है अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, भाई 10 मीटर भी लंबाई है ना, मैं लिख दूं कि भाई ये 1000 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई है, किलोमीटर भी लंबाई की ही यूनिट है ना, ऐसे ही मिलीमीटर भी लंबाई की ही यूनिट है। तो हमने क्या किया कि फिर लंबाई के लिए एक सिंबल यूज कर लिया, लेंथ के लिए उसे हम लिख रहे हैं एल, ठीक। तो डायमेंशनल फॉर्मूला समझो कि एक तरीके से नोटेशन है, तो लेंथ जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कि लेंथ के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे एल, और उसे लिखने का तरीका है कि वो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा डिटेल में आऊंगा मैं इनके इनके बारे में। अब दूसरा लिखेंगे हम यहां पे, हम मास, द्रव्यमान, तो मास की जो ऐसा यूनिट होगी वो बेटा आपकी ग्राम पाउंड वगैरह यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करते हैं किलोग्राम, किलो ग्राम, सिंबल है इसका स्मॉल के जी, किलोग्राम, और मास के लिए बेटा हमारे नोटेशन होगी कैपिटल एम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया विम्य सूत्र। एक हमारे पास हुआ टाइम, समय, समय की बेटा ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास सेकंड, सिंबल है इसका एस, और स्मॉल एस ही सिंबल है इसका, कई बार हम ऐसे एस ई सी लिख देते हैं, ये गलत नोटेशन है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 11th क्लास में आप हैं या 9th-10th क्लास में, तो वहां पे आपको सेकंड के लिए सिंबल स्मॉल एस ही यूज करना है, और टाइम के लिए हमारे पास नोटेशन होती है टी, तो टी। फिर एक हमारे पास में आया
इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, तो करंट के लिए बेटा यूनिट होते हमारे पास में एम्पियर और सिंबल इसका होता है कैपिटल ए। देखो जब यूनिट जो है किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और आप लिखना चाह रहे हैं कि भाई एक तार में करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की, एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर, तो अगर आप एम्पियर पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे एम्पियर, लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम यूनिट होगा सिंबल यूज कर रहे हैं तो फिर कैपिटल यूज किया जाता है। तो या तो आप ऐसे लिखो कि भाई 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, या आप ऐसे लिखो 2 एम्पियर, आप ऐसे लिख रहे हैं करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, ये गलत है, करंट 2 एम्पियर ये भी गलत है ना। तो ये थोड़ा सा अगर आप चाहो अपने ज्ञान के लिए ये थोड़ा नोटेशन वगैरह ध्यान रख सकते हैं मतलब कैसे लिखना है, और इसके लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है ए, या कुछ जगह आपको आई भी लिखा मिल सकता है, तो आपके पास ऑप्शन में ए लिखा है कि आई लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर हमारे पास में आता है टेम्परेचर तापमान, टेम्परेचर जो है बेटा इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल के सिंबल बनेगा इसका, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको के भी लिखा मिलता है या ज़्यादातर थीटा लिखा मिलता है, दोनों यूज किए जाते हैं। 6 नंबर पर आते हैं हम, यहीं पे 7 के साथ लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। ये हमारे पास में आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसे हम नापते हैं मोल में, सिंबल होता है इसके लिए MOL, मोल है ना, सिंबल ये है सिंबल। एक काम करते हैं ना, सब जगह मैं छोटा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ सिंबल के लिए, डायमेंशन के लिए है बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मोल भी लिखा मिल सकता है आपको, कैपिटल एन भी लिखा मिल सकता है, और कुछ कई बार म्यू का यूज भी करता है म्यू, ठीक है, ये सब मोल के लिए है सिंबल। एक लिखेंगे 7th लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, सन आपते हम कैंडेला में, सिंबल होता है CD, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है CD या J, J। तो हमारे पास में 7 फंडामेंटल हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी हेल्प से आप बाकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। जैसे हम करते हैं ना कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गई, टाइम तो टाइम हो ही गया, तो बाकी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास। पदार्थ की मात्रा आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सब मोल में नापते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास 1 मोल गैस है, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर 1 मोल गैस है तो 1 मोल का मतलब है कि आपके पास उस गैस के 6.023 × 10³³ एटम या मोलिक्यूल्स हैं। किसी गैस के अगर आपके पास इतने अणु या परमाणु हो तो हम कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल में पदार्थ के कितने कण होंगे, 6.023 × 10³³, तो 1 मोल में इतने परमाणु या अणु होते हैं 1 मोल, है ना। लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज लुमिनस इंटेंसिटी आप फिलहाल के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लास में भी मान लो एक बल्ब जला रखा है तो कुछ चमक है, कुछ इंटेंसिटी है उस बल्ब की। अब 4 बल्ब जला देंगे तो ज्यादा चमक हो जाएगी, ज्यादा इंटेंस लाइट हो जाएगी, ज्यादा भयंकर चमक हो जाएगी, तो ऐसा समझो फिलहाल के लिए आप। तो मेरे पास 7 फंडामेंटल हैं ये। अच्छा, इसके अलावा ये जो 7 फंडामेंटल जो हमने फिजिकल क्वांटिटी लिखी और इनकी SI यूनिट लिखी, उससे पहले हम कुछ सिस्टम और यूज करते थे। जैसे एक हम सिस्टम यूज करते हैं जैसे MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में हम 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी लेकर चलते हैं। एक मीटर, इसका फुल फॉर्म होती है मीटर, एक का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड, यानी कि यहां पे हम MKS सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी मूलभूत राशियां 3 ही लेते थे, लंबाई,
मास, द्रव्यमान और टाइम। तो इसमें एमके सिस्टम में तीन ही फंडामेंटल ली जाती हैं, एसआई सिस्टम में सात फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में आज के समय में प्रेजेंट समय में इंटरनेशनली जो फंडामेंटल यूनिट है सात। अगर आपसे कोई पूछे कि एमके सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट होती है, तीन, और इसके फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि हम लंबाई हम मीटर में नापते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में नापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। सीजे सिस्टम जो है, सीजे सिस्टम, इसे गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, गॉसियन सिस्टम। तो पेपर में अगर पूछ लेना गॉसियन सिस्टम कौन सा है, तो सीजीएस है वो। इसमें लंबाई को नापते हैं हम सेंटीमीटर में, और मास को नापते हैं ग्राम में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, सीजीएस सिस्टम। तो यहां पर भी हमने तीन चीजों को फंडामेंटल यूनिट लिया कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, टाइम, मास और आपका लेंथ। यहाँ पे हम सीजी सिस्टम में लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। अच्छा, एक बाद में जो एमके सिस्टम है ना, इसमें बाद में करंट को भी जोड़ दिया गया था। तो एक कई बार अगर आप सबसे पूछ ले कि एमके एस ए सिस्टम कौन सा है, तो इसमें एमके सिस्टम में फुल फॉर्म वही है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, और ए का मतलब एम्पियर करंट के लिए। तो एमके एस ए सिस्टम जो है मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में ही करंट को फंडामेंटल यूनिट मान के उन्होंने चार को करके फिर एमकेएस ए सिस्टम यूज किया गया। एक हमारे पास में होता है एफपीएस सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ब्रिटेन में बहुत यूज होता है ये, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश निकाय सिस्टम का होता है हिंदी में निकाय। तो एफ का मतलब यहाँ पे फुट है, वो लंबाई फुट में यूज करते हैं, मास पाउंड, और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। तो फुट, पाउंड, सेकंड, ये ब्रिटिश सिस्टम है। तो इन्होंने भी फंडामेंटल यूनिट तीन ली। तो जनरली जब पहले जो सिस्टम यूज करते थे, चाहे कहीं पे एमके सिस्टम हो रहा हो या सीजीएस हो रहा है या फुट पाउंड सेकंड वाला हो रहा हो, तो तीन ही चीजों को फंडामेंटल यूनिट लेते थे हम। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है, तो आप एफपीएस बता देना, है ना। दूसरा आप एमकेएस सिस्टम है, एक सीजीएस, एक इनके एक इन दोनों के लिए अलग सा नाम भी याद रखेंगे, इसके लिए गॉसियन सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम, इसके लिए कोई ऐसा अलग सा कोई नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एसआई जो सिस्टम है हमारे पास में, उसमें मैंने बता दिया कि सात हमारे पास में फंडामेंटल हैं, ठीक है। अब हमारे पास में दो सप्लीमेंट्री हमें यूनिट देखनी है, सप्लीमेंट्री, उन्हें देख लेते हैं हम। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आए ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखो, आप अगर मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना, आपके हाथ में एक पेन है और एक कॉपी है, तो नोट्स आपके हमेशा के लिए अपने हो जाएंगे वो, तो उनका यूज करना है। आप खाली मोबाइल चला के सुनोगे ना, बड़ा अच्छा सा तो लगेगा, हाँ भाई ठीक है, ये एमके सिस्टम है, एफपीएस है, ये है, इसे ब्रिटिश कह रहे हैं, इसे गॉसियन सिस्टम कह रहे हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं, नंबर इनटू यूनिट में, नंबर यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर साथ में अगर साथ साथ लिखते भी रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। अच्छा, अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ जो हैं, इसमें दो डिफाइन है, एक को हम बोलते हैं एंगल या प्लेन एंगल, समतल कोण, एक हमारे पास में होता है सॉलिड एंगल, इसे हम कहते हैं घन कोण बोलेंगे क्या, ठोस कोण, घन कोण बोलते हैं शायद इसे हिंदी में, एक बार भाई चेक कर लेना, क्रॉस इसे सॉलिड एंगल। तो ये जो प्लेन एंगल है, ये 2D बॉडी के लिए डिफाइन है, 2D बॉडी के लिए, और ये 3D के लिए। इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम, प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को, इससे बड़े ध्यान समझना। ये बेटा, ऐसे मैंने यहां पे एक एक सर्कल लिया, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो मान लो कि आर है, और इस ठीक इसके रेडियस के बराबर मैंने क्या किया, यहां पे एक आर्क लिया, इस आर्क की जो लंबाई है ना वो इसकी रेडियस के बराबर है। तो अगर मैं जो आर्क है, जो चाप है, अगर एक सर्कल की, एक वृत्त की, अगर मैं एक सर्कल ले लूं यहाँ पे,
और एक सर्कल की जो भी रेडियस है उस ठीक रेडियस के बराबर अगर एक मैं यहाँ पे एक आर्क लूँ, तो वो आर्क ये ले लिया मैंने इतनी बड़ी, इस सर्कल के सेंटर पे बेटा जो एंगल बनाएगी रेडियस के बराबर, अगर मैं एक आर्क ले लूँ, ये आर्क जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, इसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन का एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर ये मेरे पास एंगल बना 1 रेडियन का, 1 रेडियन का एंगल, अगर मैं क्या करूं ठीक रेडियस के बराबर त्रिज्या के बराबर अगर आर्क लें, चाप लें, तो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। अगर मैं 3 रेडियन ले लूं, 3 रेडियन, तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, जैसे 1 रेडियन ये हो गया, फिर एक इतना बड़ा फिर से ले लिया तो 2 रेडियन हो गया, फिर उतने बड़ा और ले लिया तो कितना हो गया हमारे पास में, 3 रेडियन। तो बेटा जो 3 रेडियन है ये लगभग लगभग मेरा होता है 180 डिग्री के बराबर, लगभग लगभग 180 डिग्री, पूरा 180 नहीं, 3 रेडियन जो है वो एग्जैक्ट 180 नहीं है। फिर हमने उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की, हमने देखा कि भाई देखो यहाँ से ये जो टोटल एंगल बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक इतना एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो 3 रेडियन में 1, 2, 3, तो यहाँ तक जो हमारे पास एंगल बना, इतना जो एंगल बना वो लगभग लगभग 180 के बराबर आया, 180 नहीं आया, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन की, थोड़ा सा बढ़ाया तो आया 3.141692 ऐसे ऐसे करके इतना रेडियन, ये आया 180 डिग्री के बराबर। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब फिर हमने कहा कि ये जो नंबर है ना 3.1416 ऐसे जो चल रहा है 92 रेडियन, ये 180 डिग्री के बराबर है, तो इस नंबर को हमने एक नाम दे दिया, स्पेशल नाम, इस नंबर को हमने बोल दिया पाई। यानी कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। तो आपने पढ़ा भी होगा ये कि जो सर्कल है, पूरा सर्कल जो है जो सेंटर पर जो एंगल बनाता है 360 डिग्री का बनाता है, यह उसे हम कहते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन भी कहा जाता है। तो मेरे पास में जो प्लेन एंगल है ये 2D पिक्चर के लिए डिफाइन है, 2D समझ लो ना, जो केवल जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे जेड एक्सिस की बात ना हो, एक प्लेन की बात हो। आप अपनी कॉपी पे से हाथ फेर रहे हैं पेज पर, तो ये एक प्लेन है, तो अगर आप इससे बाहर आ गए तो वो फिर प्लेन में नहीं रहे आप, ये प्लेन है। तो 2D के लिए ये डिफाइन है। तो मैंने कहा कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर मैं जितना सर्कल की रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक उतने ही लंबाई का एक चाप लूं, तो जो रेडियस है, रेडियस अगर 2 मीटर है तो चाप की लंबाई भी 2 मीटर, तो जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा 1 रेडियन का बनेगा। अगर मैंने ऐसे में 3 रेडियन ले लूं, तो 3 रेडियन से जो एंगल बनेगा लगभग लगभग 180 डिग्री बनता है, पर वो लगभग होता है। थोड़ा जब इसमें हमने वैल्यू बढ़ाई तो 3.1416 करके जो वैल्यू बढ़ती जा रही है लगातार, तो ये इतने रेडियन 180 डिग्री के बराबर आया। तो इस नंबर को फिर हमने बोल दिया पाई, तो पाई रेडियन हो गया 180। आपको पता है ना पाई की वैल्यू होती है 3.14 लेते हैं हम न्यूमेरिकल में, हालांकि वो 3.14 ऐसे 1692 कुछ 8979 ऐसे बहुत लंबी लंबी वैल्यू होती है वो, तो पाई रेडियन 180 है, तो 2 पाई हो गया 360 डिग्री के बराबर। तो मेरे पास जो सोलिड एंगल है इसकी बेटा मेरे पास में जो यूनिट बनेगी, इसका जो ऐसा यूनिट लेंगे हम, वो क्या लेंगे, रेडियन, रेडियन का यूज करेंगे इसके लिए हम। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप इसमें फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो एंगल होता है कोण, जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना बेटा, इस एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। तो ये मेरे पास क्या है, आर्क है, एल का मतलब यहाँ पे आर्क है, और ये क्या रेडियस है, ये है त्रिज्या। तो एंगल होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर मैं काम करूं, अगर बेटा जो चाप जो है ये पूरे वृत्त की परिधि के बराबर, सर्कमफ्रांस के बराबर ले लूं मैं, अब आपको सोचना इफ एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, भाई पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, पूरे सर्कल के जो सर्कमफ्रांस होती है 2 पाई आर होती है। तो यहां से अगर मैं एंगल निकालूंगा तो ऊपर एल की वैल्यू आ गया 2 पाई आर, नीचे लिखा है आर, आर से आर कट गया तो एंगल कितना आ गया 2 पाई, और आपको पता है पूरी सर्कमफ्रांस जो होती है, पूरी की पूरी जो परिधि होती है, वो सेंटर पर कितना एंगल बनाती है 2 पाई का तो बनाती है। और जो बेटा इस फॉर्मूले से जब भी आप वैल्यू निकालोगे ना कि आर्क अपॉन रेडियस, कि कितना आर्क लगाया, जैसे मैंने आपको कहा पे आर्क आपने क्या लिया, परिधि के बराबर लिया 2 पाई आर के बराबर, वृत्त की परिधि कितनी होती है सर्कमफ्रांस 2 पाई आर, और रेडियस निकाला आर, तो इससे जो भी आंसर आएगा हमेशा रेडियन में आएगा। तो कितना आएगा, जो एंगल आया मेरा आया 2 पाई रेडियन,
और आपको बताइए 2π रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से आंसर डिग्री में नहीं आता, इसमें आंसर आता है किसके अंदर, इसमें आंसर आता है हमारा रेडियन में। दूसरा सोलिड एंगल होता है बेटा 3D के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एक गोला ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक गोला ले लिया, ठीक है। अब इस ये आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा, ये आप ये समझो कि मेरे पास में एक गोला है, ये ऐसे गोला। अब इस गोले का मैंने कुछ छोटा सा यहाँ पे सरफेस एरिया ले लिया, इसे मैं कह रहा हूँ डी ए। बेटा सरफेस एरिया सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ना, उस एंगल को हम बोलेंगे हम सोलिड एंगल, और इसे लिख रहा हूं मैं ओमेगा से, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ओमेगा, ओमेगा, ठीक। तो सोलिड एंगल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक कोण ले लो, जैसे हम मूंगफली खाते हैं ना, मूंगफली आती है कई बार वो देते हैं ऐसे, या मुरमुरे आते हैं इसमें ना ऐसे। अभी बेटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखो, ये जब आप देखोगे इसे, ये ऐसे होता ना गोल सा होता है ऐसे, और यहाँ पे मुरमुरे भरे होते हैं, तो ये नीचे को ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है हमारा सोलिड एंगल। तो सोलिड एंगल 3D पिक्चर में होता है, 3D में। तो यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया, ये सरफेस एरिया सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो मेरा होगा सोलिड एंगल। और सोलिड एंगल क्या होता है मेरे पास में, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ये सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे वहां पे क्या था, प्लेन एंगल क्या था, नीचे रेडियस थी, त्रिज्या थी, और ऊपर बेटा हमारे पास में क्या था, ऊपर हमारे पास में थी चाप। तो चाप बटे त्रिज्या होता प्लेन एंगल। तो जब पढ़ते हैं ना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या से जो एंगल आएगा वो हमारे पास प्लेन एंगल आएगा, जो एक तल में एंगल बनेगा। लेकिन जो एक सरफेस एंगल बनाएगा, यहाँ पे अगर मैं छोटा सरफेस एरिया ले लूं, वो सरफेस एरिया जो यहाँ पे एंगल बनाएगा इसके सेंटर पे, जैसे यहाँ पे ये जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये जो बनेगा सोलिड एंगल, ये इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और इसके लिए बेटा हम यूज की यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसे नापा जाता है स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन या स्टेरेडियन जो भी आप कहते हो, स्टेरेडियन, ठीक। अरे बेटा हमारे पास टोटल प्लेन एंगल कितना आया था, यानी कि जो पूरी की पूरी परिधि एंगल बनाएगी, वो मेरे पास में आया था, ये टोटल प्लेन एंगल था मेरे पास में 2π रेडियन, क्योंकि इस फॉर्मूले जब भी आंसर आएगा तो रेडियन में आएगा। टोटल प्लेन एंगल पूर्ण समतल कोण जो था मेरे पास में, वो आया था 2π के बराबर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जो सरफेस एरिया मैंने भी छोटा लिया, अगर मैं पूरा का पूरा सरफेस एरिया ले लूँ, तो आपको पता है कि गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है बेटा, गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4πr² के बराबर। अगर जो मैंने एरिया लिया है ये पूरे सरफेस का ही एरिया ले लूँ, तो 4πr² होगा, तो सोलिड एंगल कितना बनेगा, एरिया कितना हो गया 4πr², नीचे आया r² कट गया, तो 4π आया। तो टोटल सोलिड एंगल जो होता है, याद रखना 4π होता है, और टोटल प्लेन एंगल जो होता है वो 2π होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो टोटल प्लेन एंगल कितना है 2π रेडियन, और टोटल सोलिड एंगल कितना होता है 4π स्टेरेडियन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे था चाप बटे त्रिज्या, यहाँ पे सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और दोनों के अगर आप देखेंगे, इन दोनों के बेटा जो सप्लीमेंट्री जो हमने ली है यहाँ पे दो चीज़ें, एक प्लेन एंगल एक सोलिड एंगल, जो 2D में डिफाइन है 3D में डिफाइन है, एक तो इनकी यूनिट इंपॉर्टेंट है रेडियन और स्टेरेडियन। फॉर्मूला भी याद रखना, चाप बटे त्रिज्या जैसे मैंने यहाँ पे बताया, और एक मैंने क्या बोला आपसे यहाँ पे सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दूसरी चीज, इनके बेटा डायमेंशन नहीं बनेगी, डायमेंशन नहीं आएगी इनकी, इनका विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। क्योंकि आप देखो, लेंथ लिखा ऊपर लंबाई, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर के लिए हमने पता डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है, और रेडियस भी नापते हैं मीटर में, तो इसके लिए एल आएगा, तो एल सेल तो कट जाएगा, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो ये दोनों जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि देखो एरिया जो है बेटा, इधर भी अगर आप देखेंगे उस तरफ, रेडियस को नापते हैं मीटर में, तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, और एरिया किसमें नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर दोनों के लिए एल स्क्वायर ऊपर आएगा, एल स्क्वायर नीचे आएगा। भाई हमें पता है ना, हमने यहाँ पे जब पढ़ रहे थे हम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम सभी को पता है कि लंबाई के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल। तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस विमाहीन, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, विमाहीन राशि। विमाहीन जिनकी कोई डायमेंशन ना हो, ठीक है। तो आई होप कि छोटी छोटी सी जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान रहेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला
कि जितना रेडियस है ठीक उतना ही अगर मैं चाप ले लूं तो वो जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो एक रेडियन का एंगल बनेगा। तो वो तो एक रेडियन का एंगल बना, ऐसे फिर 2 रेडियन गए, 3 रेडियन गए। तो मैंने कहा कि जो 3 रेडियन होगा उसे अगर हम डिग्री में देखें तो लगभग लगभग मेरे पास में कितना आएगा, वो मेरे पास में पहुंचा 180 डिग्री के पास। और मुझे वो तो 3 रेडियन तो लगभग 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री एग्जैक्ट कितना है, तो मैंने कहा कि वो पाई रेडियन के बराबर है, क्योंकि 3 से थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 3.1416 के आसपास की, और वो मेरे पास में बना 180 डिग्री। तो पाई रेडियन 180, 2 पाई रेडियन कितना हो गया 360। फॉर्मूला याद रखेंगे, चाप बटे त्रिज्या। सॉलिड एंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सिर्फ छोटा सा सरफेस एरिया जो एंगल बनाएगा सेंटर पे उसे मेटा बने बोला सॉलिड एंगल। अगर आप चाहो तो इसमें अगर और डिटेल ज़्यादा एग्जैक्ट जाना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई छोटे से सरफेस एरिया ने जो एंगल बनाया तो एंगल भी छोटा सा ही होगा। तो छोटा सा एरिया है, डी ए का मतलब तो बहुत छोटा एरिया, जब बहुत छोटा एरिया ले रहा हूँ इसलिए मैं उसे डी ए लिख रहा हूँ। जब भी एरिया के लिए तो ए होता है, डी ए का मतलब बहुत ही छोटा सा एरिया, बहुत छोटा नन्ना मुन्ना सा। तो छोटा सा एरिया जो बेटा एंगल बनाएगा वो छोटा ही एंगल बनाएगा। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो डी ओमेगा बनेगा, छोटा एंगल। तो डी ओमेगा जो बनेगा ये बहुत छोटा सा एंगल है, ये छोटा एंगल, क्योंकि ये एंगल किसने बनाया है, बहुत छोटे से एरिया ने एंगल बनाया, तो छोटा सा एंगल होगा डी ओमेगा। तो अगर डी ए के लिए मैं 4 पाई आर स्क्वायर ले लूँ तो फिर तो जो एंगल बनेगा सेंटर वो तो बड़ा होगा, उसे आप ओमेगा लिख सकते हैं, वो कितना होगा 4 पाई। तो जो ओमेगा यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल है, तो टोटल सॉलिड एंगल ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे वहाँ पे लिख दिया था टोटल प्लेन एंगल, इसे टोटल सॉलिड एंगल के लिए भी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे। ये मेरे पास में आएगा टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल कितना 4 पाई। ठीक है, अरे हाया ना। अच्छा दूसरी चीज, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। अच्छा न्यूमेरिकल में एक बड़ी समस्या इस बात में भी आती है कि जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं कुछ जगह वो यूज करता है मीटर का, कुछ जगह करता है सेंटीमीटर का, बच्चे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल यूज करो तो आपको सारी की सारी जो यूनिट है ना, अगर आपने एक जगह मीटर यूज किया तो हर जगह फिर मीटर ही करना है, यानी कि एक जगह क्वेश्चन में मीटर है, कहीं किलोमीटर है, कहीं मिनट है, कहीं सेकंड है। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल करें तो हम हमेशा एसआई यूनिट का ही यूज करें, लंबाई के लिए मीटर का ही यूज करें, टाइम के लिए सेकंड ही करें, मिनट दे रखा हो तो सेकंड बदल लो, किलोमीटर है तो मीटर बदल लो। अब बहुत सारे बच्चों को बदलना नहीं आता कि सर अगर ऐसे आ गया कि भाई लिखा मान लो यहाँ पे 10 डेसीमीटर तो कितने मीटर के बराबर होगा ये। अब तो जो वैल्यू लिखे ना जैसे डेसीमीटर, तो मीटर से पहले जो चीजें लिखी हम बोलते हैं सफिक्स, अब हिंदी में पता नहीं उपसर्ग या प्रत्यय क्या बोलते हैं इसे, जो आगे लिखा होता है ना ये सफिक्स कहलाता है हमारा। डेसीमीटर हो गया, किलोमीटर से, मीटर से पहले क्या लिखा है किलोमीटर, तो ये आगे नंबर लिखा है ये। ऐसे मान लो लिखा है कहीं पर नैनो सेकंड, तो सेकंड से पहले जो नैनो लिखा है ये सब सफिक्स हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। यहां मैंने इसके लिए आपके लिए पेज बना रखा है पहले से एक, देखो कुछ हम ऐसा ही सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स बोलेंगे, मैं सफिक्स बोल रहा हूँ बार बार, प्रीफिक्स। तो जो हमारे पास जो प्रीफिक्स हैं ऐसा ही प्रीफिक्स जो हैं उनमें से कुछ जो फेमस फेमस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेसी, बेटा डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि एक मकान की लंबाई 1 डेसीमीटर है तो आपको डेसी जब भी हटाना होगा तो समझ जाना कि डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। तो आप इसे 10 की पावर -1 मीटर लिखेंगे, 10 की पावर -1 का मतलब है कि नीचे जाके पावर हो जाएगी प्लस की, यानी कि 1/10 मीटर। सेंटी का मतलब होता है बेटा 100, यानी कि 10 की पावर 2, अरे सॉरी सेंटी का होता है 10 की पावर -2। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी जैसे लिखा तो 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 मीटर हो गया। तो जब भी आपको डेसी को हटाना होगा तो 10 की पावर -1 करेंगे, सेंटी को हटाना होगा तो 10 की पावर -2 करेंगे। मिली में आपको इलेक्ट्रिसिटी में कई बार बता चुका हूँ, मिली एम्पियर बहुत यूज करता है वो, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी मिली हटाना है तो 10 की पावर -3 से रिप्लेस करना पड़ेगा, सेंटी हटाना 10 की पावर -2 से करना पड़ेगा, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, नैनो होता है 10 की पावर -9, पीको होता है 10 की पावर -12, फेम्टो होता 10 की पावर -15, एटो होता 10 की पावर -18, जेप्टो होता 10 की पावर -21, युक्टो होता 10 की पावर -24। ये हमारे पास
प्रीफिक्स मैंने जो लिखे हैं इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, डेका का मतलब होता है 10^1, हेक्टो 10^2, किलो पता ही है आपको 1000, 10^3, मेगा 10^6, गेगा 10^9, टेरा 10^12। एक बार मैं देख रहा था न्यूज चैनल, उसमें एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम भारत की इकोनॉमी $5 trillion कर देंगे ऐसे वैसे, तो कांग्रेस वाला उससे कह रहा था पता है ट्रिलियन में कितनी पावर आती है, बात कर रहे हो $1 trillion इकोनॉमी कर देंगे, ये कर देंगे, बहस हो रही थी उसमें, है ना। तो ऐसे तो ट्रिलियन, जैसे बिलियन भी 10 की, जैसे गेगा है ना गीगा, ये गीगा 10^9 है, तो एक बिलियन का मतलब भी 10^9 होता है, जैसे मिलियन होता है और मेगा वो भी 10^6 ही होता है, तो कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जैसे मेगा है ना, मेगा स्टार सुना होगा आपने, तो 10^ बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मेगा स्टार रजनीकांत, तो 10^6, ये मिलियन के लिए भी 10 मिलियन भी दिख जाए तो उसका मतलब भी 10^6 होता है। गेगा या बिलियन उसका मतलब होता है 10^9, गीगा हो चाहे आपके पास में बिलियन हो। ऐसे ट्रिलियन टेरा 10^12 को रिप्रेजेंट करता है, पेटा 10^15 को, एक्जा 10^18, जीटा जेटा जो भी बोलेंगे 10^21, और योटा 10^24। तो मैंने कोशिश किया कि माइनस वाले और प्लस वाले बिल्कुल सेम सेम साथ साथ ही चलते रहे ना। अच्छा एक जैसे मैं डेली अपने यहाँ दिल्ली में, आप पता नहीं आप जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ चलता है कि नहीं चलता है, हम जैसे यहाँ पे कुछ भी अपना ग्रोसरी का सामान मंगाना हो, सब्जी मंगानी है, फ्रूट्स मंगाने हैं घर में, दम ये कुछ भी मिर्च सब्जी कुछ भी मंगानी वालों है ना, चीनी वीनी कुछ भी ग्रोसरी कुछ भी मंगाना हो, तो एक ऐप मैं यूज़ करता हूँ जैप्टो। अब देख रहे हो उसने कितना दिमाग लगाया, यानी जैप्टो कहता है कि जैसे ब्लिंकिट है ना कि ब्लिंक करते ही सामान आपके घर पर पहुँच जाएगा, तो जैप्टो शो कर रहा 10^-21 को, यानी जैप्टो बहुत छोटा नंबर है, यानी कि जी हम आपका सामान ऐसे ले आएंगे चुटकी बजने से ही पहले, मतलब एक तरीके से बताना चाह रहे हैं उनके पीछे का जो आइडिया है जैप्टो ऐप रखने का वो यही है, क्योंकि जैप्टो सेकंड का मतलब हो गया 10^-21 सेकंड, 10^-21 सेकंड समझ रहे हो कितना होगा तुम, 0 पॉइंट के बाद में 21 जीरो आ रही है, बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, मतलब 20 और फिर एक नंबर आएगा 10^-21। तो वहां से उन्होंने शायद ये कॉन्सेप्ट लिया होगा। तो अब देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यहां पर अगर वहां पर कहीं पर लिखा हो कि जी नैनो सेकंड, तो हमें तो यूनिट सेकंड यूज करनी है ऐसा यूनिट, तो नैनो को हटा के 10^-9 कर देंगे, वहीं पर लिखा है माइक्रोमीटर तो माइक्रो को हटा के 10^-6 मीटर कर देंगे, है ना, कहीं पर लिखा है किलोमीटर तो किलो का मतलब हो गया 10^3 मीटर यानी कि 1000 मीटर हो गया, हेक्टो 10^2 हो गया। तो ये आपको कुछ प्रीफिक्स याद रखने हैं, जैसे मैंने कहा कि डेसीमीटर में डेसी हटाया तो 10^ डेसी का मतलब होता है 10^-1, यहाँ लिखा है पहले ही, तो यहाँ से हमने सोल्व कर लिया इसे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा कुछ और भी होते हैं इसके अलावा, जैसे जो इनका हमें बड़ा यूज करना होता है, एक होता है माइक्रोन, तो बेटा माइक्रोन जो होता है ना ये लंबाई की यूनिट होता है, माइक्रोन का सीधा ही मतलब होता है कि 10^-6 मीटर, तो एक माइक्रोन देखते ही समझ जाना कि 10^-6 मीटर है, जबकि माइक्रो का मतलब 10^-6 मीटर नहीं है। अब मान लो लिखा हो माइक्रो सेकंड तो फिर वो 10^-6 सेकंड हो जाएगा, माइक्रोमीटर लिखा तो 10^-6 मीटर बनेगा, भाई माइक्रो तो किसी के आगे भी हो सकता है, सेकंड के भी आगे हो सकता है, वो मीटर के आगे भी हो सकता है, तो माइक्रो तो केवल 10^-6 को बता रहा है कि माइक्रो सेकंड है तो 10^-6 सेकंड, माइक्रोमीटर है तो 10^-6 मीटर, लेकिन माइक्रोन में फिक्स है कि 10^-6 मीटर, ये माइक्रोन जो होता है ये लंबाई की एक यूनिट है, ए यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे एक बड़ा फेमस है एंगस्ट्रोम, ये भी फिक्स है 10^-10 मीटर, ये भी लंबाई के लिए यूज करते हैं। एक होता है फर्मीमीटर 10^-15 मीटर, जैसे भाई फेमटो में तो फेमटो सेकंड भी हो सकता है, तो फेमटो सेकंड हो गया 10^-15 सेकंड, तो फर्मी अगर दिख जाए तो फर्मी भी लंबाई के लिए होता है, फर्मी यानी कि 10^-15 मीटर, ये खाली फर्मी लिख लो से, एक फर्मी अगर आपको दिख जाए तो अगर फेमटो है तो 10^-15, फेमटो का आगे सेकंड है तो 10^-15 सेकंड, फेमटो मीटर है तो 10^-15 मीटर, लेकिन फर्मी लिखा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो 10^-15 मीटर है, एंगस्ट्रोम 10^-10, फर्मी 10^-15 और माइक्रोन 10^-6 मीटर। ये कुछ हमारे पास लंबाई की कुछ यूनिट हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन प्रीफिक्स के अलावा भी, ठीक है। जैसे एंगस्ट्रोम का यहाँ पे लिखा नहीं है ना 10^-10 भी तो है एक चीज, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि माइक्रोन नहीं लिखा हुआ है तो उसका भी बड़ा यूज होता है, वो तो सीधे ही लंबाई के लिए होता है,
यहाँ पे फर्मी नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ दो तीन और हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो लंबाई की हमारे पास में एक छोटी यूनिट है ये लेंथ की, ठीक। लंबाई की अगर हम थोड़ी बड़ी यूनिट की बात करें, जैसे हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन कंप्लीट ईयर, इन वन कंप्लीट ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड वन लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा निर्वात में, प्रकाश के द्वारा निर्वात में, प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात में एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश वर्ष जो है इसमें वर्ष देखकर ये कंफ्यूज नहीं होना कि टाइम के लिए है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बड़ा आता छोटे पेपर में कॉन्स्टेबल टाइप से के मतलब बहुत आता है। यानी अगर मैं अपनी छत पर जाऊं और एक टॉर्च ऑन कर दूं तो लाइट चलना शुरू करेगी, तो लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो लाइट तो आपको पता है एक सेकंड में ही 300,000 किलोमीटर भाग जाती है। एक साल में सोचो, जब एक सेकंड में लाइट 300,000 किलोमीटर चली गई, 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर, तो एक साल में तो कितनी लंबी दूरी तय कर लेगी। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह वैक्यूम के लिए है, हालांकि एयर से कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैंने छत वाला केस ले लिया तो ये मैं सोचना कि सर छत पे तो हवा है, तो एयर और वैक्यूम में लगभग सेम सही होता है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाएगी। और याद रखना, ये जैसे तारों के बीच की दूरी नापने के लिए बड़ा यूज होता है, लंबी लंबी दूरी है। जैसे मान लो कोई यहाँ से हमने कोई एक प्लैनेट ढूंढा और वो प्लैनेट बहुत दूर है, हम कह रहे हैं कि वो धरती के जैसा सा है। तो आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कई बार कि हमने एक ग्रह ढूंढा धरती के जैसा, उसकी जो दूरी है वो 50 प्रकाश वर्ष है, 50 लाइट ईयर। यानी कि वो इतना दूर है वो प्लैनेट कि अगर यहाँ से हम लाइट छोड़ दें तो उस प्रकाश को भी वहां तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे, 50 साल। लाइट को वहां तक पहुंचने 50 साल लग रहे हैं, तो 50 प्रकाश वर्ष दूर की दूरी पे है। मान लो मैं कहता हूँ कि दो तारों के बीच की दूरी जो है वो 6 प्रकाश वर्ष है, 6 लाइट ईयर। यानी एक तारे से दूसरे तारे तक लाइट को जाने में ही 6 साल लग जाएंगे। और हम तो सोचो खैर पता नहीं कितनी पीढ़ी गुजर जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे जब प्रकाश को इतना समय लग रहा है। तो ये बेटा हमारे पास किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। ये दूरी के बड़े मात्रक हैं, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक। अगर मैं से एक प्रकाश वर्ष को अगर मैं मीटर में देखूं तो वन लाइट ईयर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.4607 × 10^15 मीटर। कई बार वो लगभग में पूछता है अप्रोक्स, तो अप्रोक्स में आप इसे 10 मान सकते हैं, 10^15, तो अप्रोक्स पूछेगा बेटा फिर 10^16 मीटर पर टिक लगाना है, कहीं 15 वाले पे लगा के आ जाओ, 10^15 तब बताना जब आगे 9.4 लिखा हो। तो प्रकाश वर्ष होता है 9.4607 × 10^15, या लगभग 10^16 मीटर। ये लंबी दूरियों के लिए यूज होता है ना प्रकाश वर्ष। एक यहां पे लिखेंगे हम वन पैरालेक्टिक सेकंड, ये पार सेकंड बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेता हूं मैं क्या बनेगी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वन पार सेकंड है ना, तो वन पार सेकंड जो है, चलो आप चेक कर लेना आप कहाँ, लैक्टिक सेकंड कुछ ऐसी सी लग रहा है मुझे, ये होगी वन पार सेकंड, वन पैरालैक्टिक सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये वन पैरालैक्टिक सेकंड का मतलब क्या है, जैसे ये बेटा मान लो यहाँ बेटा जो सेकंड होता है ना, यहाँ पे एंगल है ये सेकंड, यहाँ पे इसमें
एंगल के लिए है, और ये 1 पर सेकंड भी डिस्टेंस लाइट ईयर की तरह दूरी नापने के लिए यूज होता है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूरी का मात्रक है ये भी, लाइट ईयर भी और पर सेकंड भी। अच्छा, और इसे समझाने के लिए एक शब्द और मुझे आपको बताना है, पहले एक शब्द और आपको पता होना चाहिए कि लिखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय इकाई, 1 खगोलीय इकाई। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो हालांकि वो बदलती रहती है आपको पता है, पर फिर भी एक अगर मैं एवरेज से दूरी लूं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे हम कहते हैं 1 खगोलीय इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसे हम लिखेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, अब इस बात पर वापस, 1 पर सेकंड, जो 1 पैरालैक्टिक सेकंड मैंने यहां पे लिखा था, देखो मुझे क्या बता रहा है, तो बेटा मान लो कि मेरे पास ये एक सर्कल है ऐसे, ठीक, अगर बेटा मैंने क्या किया, अगर मैं एक आर्क ले लूं, एक चाप ले लूं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 खगोलीय इकाई के बराबर, 1 खगोलीय इकाई को अगर मैं दूरी में लिखना चाहूं तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, 1 खगोलीय इकाई जो है वो था 1.496 × 10^11 मीटर के बराबर। तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 खगोलीय इकाई कितना बड़ा नंबर है, 1.596 × 10^11 मीटर, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो अगर मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 खगोलीय इकाई के बराबर का एक चाप ले लूं, और ये चाप जो है अगर सर्कल के सेंटर पे अगर 1 सेकंड का एंगल बना रहा हो, 1 सेकंड का एंगल, तो बेटा इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना वो 1 पर सेकंड के बराबर होगी। अगर मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 खगोलीय इकाई के बराबर का चाप, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 खगोलीय इकाई के लंबाई का चाप अगर किसी सर्कल के सेंटर पे, अगर किसी वृत्त के सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाता हो, 1 सेकंड का कोण बनाता हो, तो उस सर्कल की जो त्रिज्या है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 पर सेकंड के बराबर होगी। तो 1 पर सेकंड उस सर्कल की त्रिज्या है जिसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर का चाप अगर सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना दे, सेकंड के लिए 2 ऐसे लगाते ना निशान, डिग्री के लिए से 1 0 होता है, मिनट के लिए ऐसे, सेकंड के लिए ऐसे, तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लंबाई के बराबर का आर्क अगर सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बना रहा है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो 1 पर सेकंड आएगी, और ये 1 पर सेकंड बहुत बड़ी दूरी होती है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अगर आर्क अगर सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बना रहा है ना, तो मैंने कहा कि जो सर्कल की रेडियस है 1 पर सेकंड है, तो ऐसा सर्कल की बहुत बड़ी रेडियस वाला होगा, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिक जो 1 पर सेकंड है ये पता कितना है, ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, यानी प्रकाश वर्ष का भी कितना गुना, प्रकाश वर्ष ही इतनी लंबी दूरी है, ये प्रकाश वर्ष का भी 3.26 लाइट ईयर है, तो बहुत लंबी दूरी नापने काम आता है। तो डिस्टेंस की प्रैक्टिकल सबसे बड़ी यूनिट है प्रैक्टिकली जो हम यूनिट यूज करते हैं, 1 पर सेकंड। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डेफिनेशन पेपर में आती है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और ये कितने मीटर के बराबर है यहां पे लिख लेंगे, 1 पर सेकंड कितने के बराबर है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। यदि 1 खगोलीय इकाई के बराबर का चाप
वृत्त के केंद्र पर एक सेकंड का एंगल बनाए तो उस वृत्त की त्रिज्या 1 पर सेकंड कहलाएगी। ठीक है, एक मैंने कहा कि लाइट ईयर तो आप सभी को पता ही है, इसमें ये वैल्यू याद कर लेना। एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो पूरा नंबर बताना है, लगभग पूछेगा तो 10^16 बताना है। ठीक है, अरे बात समझ सही बच्चों को ये। और इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ छोटे मोटे जो हमारे पास जो लंबाई की यूनिट होती हैं वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप सभी पूछ ले कि 1 मील किसके बराबर होता है, 1 माइल 1.609 किलोमीटर के बराबर, ये 1 माइल है ना। कई बार आपने सुना होगा ना, हम वैसे कई बार ऐसे बोल देते हैं कि 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। कई बार गांव में कहते हैं ना कि भाई हमारा गांव जो है शहर से 5 मील दूर है, तो 5 मील दूर का मतलब हो गया 16×85 यानी कि 8 किलोमीटर के आसपास। तो 1 माइल किसके बराबर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 नोटिकल माइल 1 नोटिकल माइल 1 समुद्री मील। समुद्री मील थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा है ना समुद्र, तो लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो समुद्री मील जो है ये थोड़ा बड़ा होता है, ये होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर समुद्री मील। ये सड़क वाला मील है, खाली मील लिखा आएगा तो 1.609 और नोटिकल माइल आएगा तो 1.852 है ना। और इसके अलावा नोटिकल माइल और मील में क्या संबंध है, 1 नोटिकल माइल जो है ये बराबर होता है 1.152 माइल के बराबर, 1 समुद्री मील जो है सड़क वाले कितने मील के बराबर है, 1.151 माइल के बराबर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 फुट जो होता है इसमें होते हैं 12 इंच और 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर है ना, तो लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर हम बोल देते हैं। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पर जाएंगे तो आप बोलेंगे 2.54। ठीक है, ये छोटे छोटे से कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़े से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस सेट से, जितना हमने अभी पढ़ा है उसके आधार पर। एक क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। निम्न में से कौन सी इकाई केवल द्रव्यमान लंबाई और समय की इकाई पर आधारित नहीं है। तो आपको पता है कि वो SI यूनिट है, SI में केवल वो मास लंबाई और समय पर थोड़ा डिपेंड करती है, इसमें तो 7 होती हैं। तो ये एम केस में केवल 3 ही होती हैं, लंबाई द्रव्यमान और समय, और इसमें भी 3 इसमें भी 3। तो एम केस, फुट, पाउंड सेकंड और CGS, ये तीनों केवल किसके ऊपर डिपेंड है, मास, यानी कि मास यहाँ किस में नाप लो, किलोग्राम में, यहाँ पे नाप लो पाउंड में, यहाँ नाप लो ग्राम में, लंबाई यहाँ मीटर के लिए, यहाँ फुट में, यहाँ सेंटीमीटर में, और टाइम तीनों में सेकंड में ही, इसमें होते हैं 7। ये 7 चीज़ों पर आधारित है, ये केवल इन 3 पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न इकाई नहीं है जो ड्राइव्ड नहीं है, यानी कि जो फंडामेंटल है। तो आपको पता है इसमें चारों में लिखी रखा है इलेक्ट्रिक करंट, भाई 7 जो फंडामेंटल बताई थी मैंने आपको, उसमें इलेक्ट्रिक करंट था ना, उसमें मैंने कहीं लिखा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्लांक्स कॉन्स्टेंट, प्लांक की स्पेलिंग से नहीं लिख रखी उन्होंने, फ्रीक्वेंसी आवर्ती ये लिखा था मैंने कहीं नहीं। तो इसका आंसर बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां देखो, ये कह रहा कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। तो अभी आपको पता बेटा कि नैनो एक प्रीफिक्स है, तो पहले हम यहां पे लिख लेंगे नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब होता है 10^-9, तो नैनो गायब हो जाएगा, 10^-9 लिखते ही हो जाएगा 10^-9 मीटर। लेकिन सावधान, भावुक मत हो जाना कहीं 10^-9 पे तुरंत टिक लगा दो। उसने ये नहीं पूछा कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है 10^-9 मीटर, उसने पूछा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 10^-9 और 1 मीटर बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप सभी को पता है कि हमने जैसे भी आपको बताया था कि भाई 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी जो होता है, सेंटीमीटर होता है 10^-2 मीटर। तो ये तो क्या हुआ कि अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10^-2 आ रहा है, सेंटी से मीटर में जा रहे हैं, लेकिन मीटर से अगर सेंटी में जाएंगे तो 10^+2 बनेगा, तो 1 मीटर में आएंगे 100 सेंटीमीटर। ये नहीं आएगा समझ में, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब 100 को आप इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर बराबर सेंटीमीटर, तो 100 ऊपर जाएगा तो 10^-2 मीटर किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर के।
तो सेंटी की जगह क्या आया 10^-2, तो 1 सेंटीमीटर में तो 10^-2 मीटर है, लेकिन ये तो 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर है, तो मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 1 मीटर में होंगे 10^-2 मीटर, तो 10^2 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 10^-7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आप चाहो तो एक काम ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है कि 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर के बराबर है, नैनो हटेगा तो 10^-9 आएगा। अगर आप इस ऑप्शन से देखें, ये 10^-7 है, सेंटी को हटाएंगे तो 10^-2 आएगा, सेंटी हटाने पर तो कितना बन गया मेरे पास 10^-9 मीटर, तो 10^-7 सेंटीमीटर जो है 10^-9 मीटर के यहाँ पे मैच कर गया, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, अगले पर आए, ये करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रोम एंड नैनोमीटर, तो एंगस्ट्रोम और नैनोमीटर में क्या रिलेशन है, तो अगर मैं मान लूं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-1 एंगस्ट्रोम, नैनो हटेगा तो 10^-9 मीटर हो गया ये, और एंगस्ट्रोम हो गया 10^-10 मीटर, तो 10^-9 मीटर जो है 10^-11 मीटर के बराबर आ गया, तो गलत, इधर 10^-9 इधर 10^-11 तो गलत हो गया, चलो बी को मान लेते हैं कि सही आंसर है, नैनोमीटर क्या होता है 10^-9 मीटर, और ये 10 लिखा है, एंगस्ट्रोम क्या होता है 10^-10 मीटर, तो 10^-9 मीटर, और इधर भी बन गया 10^-9 मीटर, ये सही है। तो जो आपको मैंने अभी बताया प्रीफिक्स, उससे क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, तो 1 नैनोमीटर यानी कि 10^-9 मीटर, और एंगस्ट्रोम 10^-10, तो 10^-10 है, यहाँ पे 10^ कुछ नहीं, तो एक होती है ना जिसकी कोई पावर ना हो, 10^-10 एक प्लस की, तो 10^-9 बचेगा इधर भी, तो ये हो गया। यहाँ पे लिखा है डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, इन सीजे सिस्टम द यूनिट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमके सिस्टम, ये कह रहा है कि अगर लकड़ी का जो घनत्व है अगर वो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एमके सिस्टम में इसका घनत्व क्या होगा, यानी कि आपको एक यूनिट को, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में बदलना है, तो मैंने कहा था कि उसके लिए एक तरीका तो आपके पास, देखो ये कर सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, भाई एक यूनिट को दूसरे में बदलना है, तो यहां पर नंबर कितना है पहले वाले में 0.5, N1 है नंबर है 0.5, यूनिट क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे में नंबर क्या होगा एमकेएस में हमें बताना है। अच्छा, एमके सिस्टम में का मतलब क्या है कि हम ग्राम की जगह क्या यूज करेंगे, अब किलोग्राम, और सेंटीमीटर की जगह यूज करेंगे मीटर, तो यहाँ पे मीटर का क्यूब आ गया, है ना। अब यहाँ आ जाओ, अब मुझे एमकेएस में बदलना है, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 10^-3 किलोग्राम, तो ग्राम से गए किलोग्राम में 10^-3 किलोग्राम, और सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10^-2 मीटर, और एक क्यूब है तो यहाँ क्यूब भी कर देंगे, N2 × किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब बेटा 10^-2 पे क्यूब भी है, तो 10^-6 ऊपर जाके हो जाएगा 10^+6, 10^-3 है, तो 10^+6 10^-3 10^3 बचेंगी, 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि बनेगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इधर N2 हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इससे कट गया, यानी कि मेरा N2 की वैल्यू कितनी आ गई 500, तो N2 की वैल्यू आ गई 500, तो यानी कि अब ये N2 की वैल्यू 500 है, और 500 के साथ में यूनिट कौन सी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि MKS, तो यानी इसका ए आंसर आ गया। यानी एक तरीका तो हमारे पास ये होता है, जब भी हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो हम करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो पहले नंबर कितना है 0.5, और 0.5 के साथ में यूनिट कौन सी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की है। अब यहां पर आ जाओ, दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम को किस में बदलना है MKS, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड वाले में, यानी ग्राम की जगह किलोग्राम आना चाहिए और सेंटीमीटर की जगह आना चाहिए मीटर क्यूब। अब यहां पे क्या नंबर आएगा वो मुझे निकालना है। अच्छा, अब मुझे यहां पे क्या करना है, MKS सिस्टम में जाना है, तो ग्राम से किलोग्राम में गया तो 10^-3 किलोग्राम। अच्छा भाई, हमें पता ना कि भाई 1 किलोग्राम जो होता है किसके बराबर होता है 10^3 ग्राम के, भाई किलो होता है 10^3, तो 1 किलोग्राम में तो होते हैं 10^3 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 10^ इधर आके ये बन जाएगा ना, 1 ग्राम में होते हैं 10^-3 किलोग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-2 मीटर, उसका क्यूब कर दिया, सोल्व किया तो N2 की वैल्यू 500 आ गई। तो देखो एक तरीका तो ये है,
या एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, या एक आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट लिख रखे 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे इसे किस में बदलना है, एम के एस में, यानी कि सीधे सीधे आप यहीं पे ऐसा कर दो कि एक ग्राम का मतलब क्या होता है 10^-3 किलोग्राम, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-2 मीटर, सेंटीमीटर पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यानी सीधे सीधे इसी वैल्यू में मैं एम के एस में चला गया, ग्राम से चला गया किलोग्राम, तो किलोग्राम करने के लिए 10^-3 किलोग्राम लिखेंगे, सेंटीमीटर का होता है 10^-2 मीटर, यहाँ क्यूब कर देंगे, फिर वही सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ऐसे भी कर सकते हैं या एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू से भी कर सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन अगर आप और देखें, लिखा है कि डेंसिटी जो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी डेंसिटी बतानी है एसआई में, तो एसआई सिस्टम में हम ग्राम यूज नहीं करते, किलोग्राम का करते हैं, सेंटीमीटर नहीं करते यानी कि मीटर करते हैं, तो इसे भी आपको बदलना है। एक तरीका तो वही है कि आप करें एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये कई बार आगे काम आएगा, यहाँ पे तो चलो थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, तो एन वन कितना है 13, ये कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एन टू निकालना है और एसआई यूनिट में ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम और आ जाएगा मीटर क्यूब, फिर वही 13 ग्राम का मतलब 10^-3 किलोग्राम और ये 10^-2 मीटर की पावर 3, तो एन टू इंटू किलोग्राम मीटर की पावर 3, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये 10^-2 के 3 करेंगे 10^-6 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 10^-3, यानी कि 13 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एन टू इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कट गया, तो एन टू का मतलब कितना हो गया 13 × 10^3, ये आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, कि वही सीधा सीधा जो मेरे पास में डेंसिटी थी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसी में आप क्या करो कि ग्राम जो है 10^-3 किलोग्राम लिख लो और सेंटीमीटर की जगह लिख लो 10^-2 मीटर, इसका क्यूब कर लो, तो सोल्व करेंगे यहाँ से भी आ जाएगा 13 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इससे भी कर सकते हैं आप। या इससे भी आसान और क्या याद रखो आगे के लिए, क्योंकि ये बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये आप सीधा याद ही कर लो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। फैक्ट को ही याद कर लो कि जब भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखेगा और उसे मुझे बदलना होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो यानी कि 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इससे मुझे बदलना है एसआई यूनिट में, यानी कि यहाँ यूज करना है किलोग्राम, यहाँ करना है मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाते हैं 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 × 10^3 हो गया। ऐसे पिछले वाले में कर लो, ये आपको क्या करना है फिर से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना, तो 1000 की मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बन जाएगा, तो आप इजिली कर सकते हैं ऐसे। अब ये वाला ट्राई करो, अब इस वाले में काम आएगा वो एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू वाला काम। सीजस प्रणाली में एक सामग्री का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इकाइयों की प्रणाली में लंबाई की इकाई 2 सेंटीमीटर और द्रव्यमान की इकाई 4 सेंटीमीटर है, सामग्री के घनत्व का संख्यात्मक मान क्या होगा, ये क्वेश्चन करना। अब यहां पर क्या करना है आपको, इस सीजस प्रणाली में कह रहा है कि जी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इकाइयों की प्रणाली में, अब कह रहा है कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ना इसे कोई ऐसे दूसरे सिस्टम में ऐसे भी नहीं बदलना कि एम के सिस्टम में एसआई सिस्टम में, वो कह रहा है कि एक ऐसे सिस्टम में बदलो कि जहां पर जो है हम मास के लिए यूज करें ग्राम की जगह यूज करें 4 ग्राम का और सेंटीमीटर की जगह यूज करें 2 सेंटीमीटर का, तो क्या होगा। तो जब भी आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना होता है तो सबसे बेसिक तरीका तो होता है हमारे पास में ये एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। तो यहाँ पे एन वन कितना है, नंबर है 2, जब नंबर 2 है तो यहाँ पे क्या लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसमें एन टू नंबर निकालना है। अब यहाँ पे देखो जो यूनिट यूज करनी है ना वो कह रहा है जी ग्राम यूज नहीं करो, उसकी जगह क्या यूज करो 4 ग्राम, तो यानी कि इसमें यहाँ पे जो यूनिट बनेगी इसकी यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4 ग्राम, और यहाँ पे सेंटीमीटर यूज नहीं करना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया 2 × ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एन टू गुणा 4 ग्राम, नीचे कितना आएगा 2 × 4 = 2 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 2 के उधर मल्टीप्लाई होगी तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी अगर कभी आप को ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ तो हम बाकी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ना सिंपली हम इजिली बदल पा रहे थे, भाई एक वैल्यू दे रखी थी
उस वैल्यू में ग्राम की जगह किलोग्राम का यूज करना था, तो ग्राम की जगह हम लिखा 10^-3 किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह लिखा 10^-2 मीटर, तो वहाँ इजिली आपने SI यूनिट में आपने कन्वर्ट कर दिया। मतलब कहीं पर ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगे तो आप वहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना, N1U1 = N2U2, इससे हमेशा सही आंसर आएगा। N1 पहले वाले सिस्टम में नंबर 2 है और यूनिट है ये, दूसरे वाले सिस्टम में नंबर क्या आएगा वो हमें निकालना होता है, और यूनिट कैसे चेंज करनी है कि वो कह रहा है कि यहाँ पर आप ग्राम की जगह यूज करें 4 ग्राम का, सेंटीमीटर की जगह यूज करें आप 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ ग्राम कर दिया 4 सेंटीमीटर की जगह ऐसे, और इसका कर लो। उस वाले से भी कर सकते हैं, पहले वाले से भी, पर ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ यहाँ पर लंबाई की अलग अलग यूनिट मैंने आपको लिखवाई कि कुछ, तो भाई स्टैंडर्ड यूनिट तो हमें पता ही है SI यूनिट, पर उसके अलावा और भी तो यूनिट है हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि भाई माइक्रोन है 10^-6 मीटर, एंगस्ट्रोम है 10^-10, फर्मी है 10^-15, लंबी यूनिट में आए तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, और लंबी में आए तो पार सेकंड हो गया, या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी यूनिट यूज करते हैं जैसे माइल का, नोटिकल माइल का, इंच का, फुट का, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि एक फुट किसके बराबर होता है 12 इंच के, और एक इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। अगर आप इस एक फुट को सेंटीमीटर में बदलने लगोगे तो ये 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये है ना। तो एक फुट कितने सेंटीमीटर हो गया, 30.48 सेंटीमीटर हो गया। कोई व्यक्ति अगर 6 फुट का है तो एक फुट 30 सेंटीमीटर के लगभग आसपास का है, तो उसमें 6 फुट का तो 6 की ओर मल्टीप्लाई कर देना, है ना, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा मास के लिए भी हम कुछ यूनिट यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए अदर यूनिट, उन्हें देख लेना एक बार। जैसे मास के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं 1 AMU, इसे हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है 1 एटॉमिक यूनिट को बोलते हैं हिंदी में 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई या मात्रक, 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब ये बहुत ही छोटे मास को नापने के लिए आती है भाई, जैसे बहुत छोटे एलिमेंट होते हैं जो एटम वगैरह के अंदर, या कोई एटम है बहुत ही उसका मास कम है, उस सब किलोग्राम में तो नापते हुए अच्छे नहीं लगेंगे कि 10^25 किलोग्राम, 10^-20 किलोग्राम, 10^-25 किलोग्राम, 10^-30 किलोग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटे मास के लिए हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट पता है किसका मास होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 × mass of 1 carbon 12 atom। इसका मतलब पता क्या है, आपने कार्बन का एक एटम लो, कौन सा कार्बन लेना है, कार्बन C12, कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं ना, तो कार्बन C14, कार्बन C13, कार्बन C12 कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, तो उनमें जो कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 आपने कार्बन का एक एटम लिया, कार्बन का एक एटम, और उसका भी जो 12वां हिस्सा होगा उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब यहां पे एक चीज देखना, जैसे मैंने आप लिखा C12, इसका मतलब पता क्या होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता ना ये, इसका मतलब ये होता है अगर मैं एक मोल अगर कार्बन C12 एटम ले लूं तो उनका वजन 12 ग्राम आएगा। अगर यहां पर लिखा होता C30, तो यानी अगर एक मोल कार्बन C12 लेता तो उसका एक मोल का मास आता 30 ग्राम, ऊपर लिखा होता 16, तो यानी कि एक मोल का मास आता 16 ग्राम, यहां पर लिखा 12, यानी कि एक मोल का मास 12 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 एटम, एक मोल जो एटम होंगे उनका मास होगा 12 ग्राम। और एक मोल में आपको बेटा पता है कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो संख्या के बराबर, उसे हम लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर को NA से, यहां पे लिखवाया था मैंने आपको, लिखवा रखा है बीच में कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6। एक मोल में जितने एटम होते हैं या जितने मोलिक्यूल, अरे जितने मोलिक्यूल्स लिखना था यहां, एटम या मोलिक्यूल्स, परमाणु या अणु, तो एवोगाड्रो नंबर को लिखते हैं NA से। तो एक मोल में जितने एटम होते हैं एक मोल में, उसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मोल कार्बन, अरे बस भाई बस, इतना जल्दी कहां भाग रहे हो वहां पे। हाँ, तो मैंने कहा कि एक मोल मेरे पास अगर कार्बन के एटम है, एक मोल,
यानी कि 6.023 गुणा 10 की पावर 30, जब इतने सारे कार्बन के एटम इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका मास 12 ग्राम बनेगा। एक मोल में जितने एटम होते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ Na एटम यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो एटम है उनका मास कितना है 12 ग्राम। तो Na एटम, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास हो जाएगा 12 बटे Na ग्राम। अब पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया है, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है ये। मैंने देखो दोबारा बता देता हूँ आपको, मैंने कहा कि जैसे भी आप कोई एटम देखते हो ना और उस एटम के ऊपर आपको एक नंबर लिखा मिला था, लिखा होता है ना उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा होता ना, एटॉमिक मास लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने आप लिखा C12, इसका मतलब यह है कि C12 का मतलब यह है कि अगर मैं एक मोल कार्बन के एटम ले लूँ, एक मोल, तो एक मोल का मास 12 ग्राम बनेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता 3, तो एक मोल का मास 3 ग्राम होता, तो 12 लिखा है, यानी कि एक मोल अगर मैं परमाणु ले लूँ तो मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी एक मोल C12 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो 12 ग्राम है, एक मोल का मास है 12 ग्राम। एक मोल का मतलब हो गया कि एक मोल में कितने होते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या के बराबर, यानी जो अगर मैं एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु ले लूं तो उनका मास बनेगा 12 ग्राम। तो Na एटम का यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर का तो 12 ग्राम है, तो एक का कितना बनेगा 12 बटे Na, यानी कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 1/12। तो मास जो है एक कार्बन एटम का मास होता है, सीधे रट भी सकते हो आप, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 बटे Na ग्राम। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 1/Na के जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे 6.023 गुणा 10 की पावर 23 ग्राम, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका ये वन एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। यानी फाइनली आपको बस ये याद रखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है, 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर, ये याद कर लेना। और एक ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना, वन एटॉमिक मास यूनिट के डेफिनेशन क्या है, बाकी प्रोसेस आप छोड़ सकते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये क्या होता है कि कार्बन C12 एटम का 1/12 हिस्सा, ठीक है। तो 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन वन C12 एटम, इसे हम सोल्व करेंगे तो वन एटॉमिक मास यूनिट निकल के आएगा किलोग्राम में, 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये जो है लगभग लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है न्यूट्रॉन का। देखो प्रोटॉन का मास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, 1.673 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का होता है 1.675 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब यहाँ देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सीमित है, 1.67 27 बस 3 लिखा है, 5 लिखा है, तो 1.673 1.675 और यहाँ पे 1.66 और पावर तो सेम ही है, यानी वन एटॉमिक मास यूनिट लगभग लगभग कितना सा है, हल्का सा कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। भाई वहाँ 1.67 है, यहाँ 1.66 है, तो बहुत ही छोटे मास जो होते हैं उन्हें नापने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट का। और एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि कार्बन 12 का एक परमाणु पकड़ो, उसका जो भी द्रव्यमान होगा, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान जो भी होगा उसका जो 12वां हिस्सा है वो वन एटॉमिक मास यूनिट है, वो कितने किलोग्राम के बराबर आएगा, इतने के। ये आया कैसे, वो प्रोसेस आपको समझना अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही ये तो बहुत ही हल्का सा मास नापने की बात हुई। एक होता है चंद्रशेखर लिमिट, वन चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर लिमिट, वन चंद्रशेखर लिमिट लिमिट चंद्रशेखर, भारत के साइंटिस्ट है चंद्रशेखर, उनके नाम पे है ये चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट होती है बेटा 1.4 इंटू मास ऑफ सन, यानी हमारे सूर्य का जितना द्रव्यमान है ना, जितना सूर्य का हमारे मास है, शायद हमारे सूर्य का मास 10 की पावर 30 किलोग्राम के ऑर्डर का है, लगभग 10 की पावर 30 में पावर आएगी, 10 की पावर 30, तो जितना हमारे सूर्य का मास है उसका 1.4 गुना अगर मास हो उसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। मान लो कोई तारा ब्रह्मांड में ऐसा है
कि उसका मास हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना चंद्रशेखर लिमिट कहलाएगा। ये इसलिए इंपोर्टेंट है चंद्रशेखर लिमिट कि जैसे जो तारे जिनका मास हमारे सूर्य के मास का 1.4 गुना है, अगर किसी तारे को ब्लैक होल बनना है तो उसका मास इतना तो होना ही चाहिए। जैसे हमारा सूर्य कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि वही तारा ब्लैक होल बन सकता है जिसका मास हमारे सूर्य के मास का 1.4 गुना हो। यानी कोई सूर्य हमारे कोई तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 5 गुना ज्यादा मास का है, 12 गुना तो बन जाएगा वो ब्लैक होल, ये नहीं बनेगा जिसका कम होगा 1.4 से कम। तो चंद्रशेखर लिमिट है कि इससे ज्यादा मास जिस तारों का है वो ब्लैक होल में जाएंगे, इससे कम वाले नहीं बनेंगे। अब ब्लैक होल के बारे में आप जानते ही हैं कि इसकी जितनी इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो कि लाइट भी उससे पार ना पा पाए, पार लाइट भी उससे बाहर ना निकल पाए, है ना। तो खैर अभी उसमें हम नहीं जा रहे, तो ये हमारे पास में एक ही आ गया। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमने लंबाई की अलग अलग यूनिट पढ़ी है ना, मास की हमने पढ़ ली छोटी यूनिट ये होती है, और एक हमने बड़ी यूनिट पढ़ ली है ना चंद्रशेखर लिमिट वगैरह, ऐसे टाइम के लिए भी आप एक देख सकते हैं। अगर कई बार पूछे कि 1 शेक किसके बराबर होता है, तो 10^-8 सेकंड के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। 10^-8 सेकंड, अगर किसी ने साइंस थोड़ी ज़्यादा पढ़ी हो तो उसे पता होगा कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसे बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए तो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, लेकिन वो हाई एनर्जी स्टेट में 10^-8 सेकंड तक ही रह पाता है। उसके बाद वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में विकिरण के रूप में लॉस करके वापस लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो 10^-8 जो सेकंड है ये हम कहते हैं 1 शेक, और 1 शेक किसके बराबर है हमारे पास में 10^-8 सेकंड के बराबर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ फेमस फेमस यूनिट में, है ना। तो हमारे पास में बाकी तो इन सब की यही ज़्यादा काम करनी है, करंट के लिए एम्पेयर ही है, ये टेम्परेचर केल्विन ऐसा। इनमें जैसे मैंने कहा कि लेंथ की कुछ यूनिट जो थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मास की जो एटॉमिक मास यूनिट चंद्रशेखर लिमिट बताई वो याद रखना, और टाइम के लिए 10^-8 सेकंड को 1 शेक कहते हैं, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो छोटे छोटे से हमारे पास कुछ बातें थी, इसे आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये फालतू जो चीज़ें हैं इन्हें मैं उड़ा देता हूँ बीच में से। अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो यूनिट से जुड़ी हुई कुछ बातें हमारे पास में हो गई हैं, अब हम डायमेंशन निकालने की तरफ चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि डायमेंशन के लिए एक अलग से यूनिट बनाई जाए, है ना। तो ये एक अलग से वीडियो बनाई जाए, ये यूनिट्स और मेजरमेंट के लिए एक हो गई है। डायमेंशन भी मैं चाह रहा था पहले तो कि बनाई जाए, पर मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी टाइम हो गया इसमें, और कितने समय की हो गई है ये, अच्छा 1.5 घंटे के आसपास की हो गई है ना। हाँ, तो ये मैं एक डेमो के तौर पर डाल रहा हूँ, और अभी जो भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जो नहीं जुड़े हुए हैं उस डेमो क्लास को देख सकते हैं। और इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और एक बैच जो है वो मेरा आ रहा है Grade 3 के लिए, टेक्नीशियन के लिए स्पेशली अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो। बाकी साइंस स्पेशल बैच है वो, अगर आप CDS की NDA की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSS की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के एग्जाम की कर रहे हैं, है ना, जिसमें भी साइंस आता है, या रेलवे के Group D की करनी है कल को, NTPC की, तो पहले से तैयार रहो ताकि ऐसा ना हो कि जब फॉर्म निकले तभी बैच ले रहे हैं फिर कह रहे हैं जी कब खत्म होगा। तो उनके लिए है ये, तो उसके बारे में पोस्टर में डाल दूंगा जैसे वो एक आध दिन में बैच आने वाला है। बाकी आप इसे देखो कैसा लगा, अगर आपको मजा आया हो इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे बताना, फिर मैं डायमेंशन के ऊपर भी एक डिटेल में एक बना दूंगा पूरी एक वीडियो ऐसी 1.5-2 घंटे की, वरना तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे थे आपके लिए, ये बहुत सारे कि आज ये डायमेंशन के हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले थे, ये पर मुझे नहीं पता था कि ये यूनिट में ही इतना समय लग जाएगा। तो इन सबको हम फिर बाद में नई वीडियो जो होगी 1 शॉट डायमेंशन के ऊपर मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो कैसा लगा कि बना सकते हैं कि नहीं ये बताना मुझे, और फिर हम प्रैक्टिस जब शुरू करेंगे। तो मैंने इसलिए भी बनाया ये कि जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था अपने चैनल पे इस पर, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने थ्योरी बिल्कुल भी आती नहीं थी, तो उन्हें फिर समस्या आती थी। तो मैं जो आगे प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा तो फिर वो इन्हीं टॉपिक से जुड़ी होंगी, तो एक बार इन्हें पढ़ के आना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीवन।